गुड मॉर्निंग क्लास, सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। लास्ट क्लास में हम लोग तीन जंक्शन का रिविजन कर रहे थे, तो उसी को फर्दर थोड़ा सा कंटिन्यू और कर लेते हैं। जो बाकी चीजें भी हैं पीएन जंक्शन में, उसको भी थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं ताकि ये पीएन जंक्शन वाला पोर्शन तुम्हारा क्लियर हो जाए। अभिनव वर्मा, अभिनव लास्ट क्लास में हम लोगों ने बिल्ट इन पोटेंशियल तक देख लिया था कि किस तरह से सारी चीजें हो रही थी। आफ्टर दैट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और डिप्लीशन रिस्क के लिए ये बातें समझी थी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है एट एन साइड दिस वन, एंड जो टोटल नेगेटिव चार्ज है, ये जो टोटल नेगेटिव चार्ज है पी साइड में, वो जो एग्जिस्ट कर रहा है वो टोटल चार्ज वो कितना एग्जिस्ट कितना रहेगा। तो उसके लिए हमने देखा कि पहले हमने क्या किया, जो करियर का कंसंट्रेशन है एन डी प्लस वो लिया, उसको मल्टीप्लाई किया कि पर्टिकुलर एक। सर आपकी सर वॉइस बहुत लो आ रही है। अभी ठीक है? अब आवाज आ रही है प्रॉपर? यस सर, यस। ओके नाउ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया था, कंसंट्रेशन ऑफ करियर लिया, उसको मल्टीप्लाई किया कि पर्टिकुलर एक करियर, यानी अगर होल की बात करोगे तो होल पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके लिए हमने प्लस क्यू लिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो गया चार्ज कंसंट्रेशन। ये तुम्हारा क्या हो गया चार्ज कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम में, कितना तुम्हारा चार्ज अवेलेबल है, उसके बाद हमने उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया था। वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट किया था, क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाई बाई एन रीजन में जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहे हैं उतने रीजन की विड्थ कितनी है, तो ये विड्थ एक्स इज इक्वल टू जीरो से एक्स इज इक्वल टू एन तक कितना हुआ एक्स एन, राइट। तो ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज का टोटल कंसंट्रेशन है प्लस क्यू जो है वो कितना है xn into a मल्टीप्लाई बाय nd प्लस into q। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज के लिए जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या है ma माइनस नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव करियर का कंसंट्रेशन, ये जो इमोबाइल आयन यहाँ पे अनकवर हुए हैं उनका कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय उनपे कितना चार्ज है तो माइनस क्यू मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, तो ये क्या है जीरो से माइनस एक्स बी तक, जीरो से माइनस एक्स बी तक की जो डिस्टेंस है वो मल्टीप्लाई बाई
क्रॉस सेक्शन एरिया, तो ये हो गया वॉल्यूम। अब इसी को अगर हम ग्राफ में डिनोट करें, इसी को अगर हम इस चार्ज कंसंट्रेशन को हम ग्राफ में डिनोट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो टिल xn, 0 से xn तक, 0 से xn तक तुम्हारा जो चार्ज है q वो कितना है, xn into a nd plus into q, 0 से xn तक अगर हम इसको ग्राफ में डिनोट करेंगे, 0 से xn तक हमारा जो चार्ज है वो कितना है, कांस्टेंट है और किसके बराबर है, q nd xn into a, ठीक है, तुम्हारा चार्ज है वो कांस्टेंट है और वो किसके बराबर है, q nd into xn a, ठीक। नाउ अब अगर हम बात करेंगे कि x is less than 0 और minus xp इस रीजन में, मीनिंग जो जहाँ पे नेगेटिव चार्ज लाई कर रहा है, जिस रीजन में नेगेटिव चार्ज लाई कर रहा है, जब उस रीजन में हम देख रहे थे तो उस रीजन में हमारा जो चार्ज है वो किसके बराबर है, q जो है वो ये इसके बराबर है, तो ये क्या है, माइनस क्यू एम ए माइनस एक्स पी इंटू ए, तो ये यहाँ कहीं पे और ये माइनस एक्स पी, और ये पूरा जीरो से लेके जहाँ पे सेंटर है x is equal to 0 से लेके x is equal to minus xp तक तुम्हारा जो चार्ज कंसंट्रेशन है, ठीक, ओ सॉरी, चार्ज का जो टोटल चार्ज है वो तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है 0 से minus xp तक, और वो किसके बराबर है, minus q na minus xp into a, राइट। फर्स्ट ग्राफ हमने ये देखा था कि किस तरह से x के साथ तुम्हारा जो चार्ज का चार्ज, टोटल चार्ज है वो x के साथ कैसे कैसे चेंज हो रहा है, तो मीनिंग हमने देखा कि जो हमारा जो चेंज इन चार्ज है वो क्या है, एब्रप्टली चेंज हो रहा है एट x इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू जीरो पे एब्रप्ट चेंज है तुम्हारे चार्ज में, x इज इक्वल टू जीरो पे देखो माइनस क्यू एन ए माइनस एक्स पी ए के भी बराबर है और के भी बराबर है, मीनिंग ये जो x इज इक्वल टू जीरो प्लस पे, जो जीरो प्लस वाली लोकेशन होगी, मैंने x इज इक्वल टू जीरो से जस्ट जैसे ही आप n साइड पे आएंगे आपका जो चार्ज कंसंट्रेशन होगा वो इसके बराबर हो जाएगा, q एन डी एक्स एन इंटू ए के बराबर, और जब आप जीरो माइनस पे होंगे एग्जैक्टली तो आपका ये चार्ज माइनस क्यू एन ए माइनस एक्स पी इंटू ए है, मतलब विद इन नो टाइम तुम्हारा जो चार्ज कंसंट्रेशन में जो चेंज है विद इन नो टाइम हो रहा है, मीनिंग पी और एन के बीच में जो चेंज इन चार्ज कंसंट्रेशन है वो कैसा है, एब्रप्ट चेंज है, तभी हम जब भी हम इन जनरल जब भी हम स्टडी करते हैं पीएन जंक्शन की तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि ये हमारा जो चार्ज कंसंट्रेशन है ये अब्रप्टली ही चेंज हो रहा है, ठीक है, जो चार्ज कंसंट्रेशन है ये अब्रप्टली ही चेंज हो रहा है ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है वो ईजी हो, बट इन जनरल तुम्हारा ये जो चार्ज यहाँ पे हमने एब्रप्टली चेंज करा है ये ऐसा मतलब प्रैक्टिकल सिचुएशन में ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकल सिचुएशन में यहाँ पे ये चेंज कुछ इस तरह से होगा, मीनिंग लीनियरली ये धीरे धीरे चेंज होगा, ठीक है, ये स्टेप फंक्शन ना बन के ये तुम्हारा कुछ ट्रायंगुलर टाइप का फंक्शन बनेगा। तो यहाँ से हमने एक चीज जानी कि हाँ जो तुम्हारा चार्ज है प्लस क्यू और माइनस क्यू ये हमेशा आपस में इक्वल रहेगा, मीनिंग जो टोटल चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो और जो टोटल नेगेटिव चार्ज है वो, ये दोनों ही आपस में इक्वल रहेंगे। अब अगर हम ये कहें कि ये मेरा रिसेप्टर पी एन जंक्शन, ये मेरा वो एज है ये पी, अब इस एज में हमने पी साइड पे हाई डोपिंग की है, हमने पी साइड पे हाई डोपिंग की हुई है और एन साइड पे लो डोपिंग की हुई है, ठीक, मीनिंग यहाँ इधर साइड पे एन साइड पे हमने जो डोपिंग की है वहां पे 10 इलेक्ट्रॉन, मेजॉरिटी गैलरी की भी बात हो रही है, 10 इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब, फ्री इलेक्ट्रॉन जो हमने एक्स्ट्रा ऐड किए हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब हमने ऐड किए हैं, और इधर साइड पे होल साइड पे हमने जो हाई डोपिंग की है तो मतलब 1000 होल्स
पर सेंटीमीटर क्यूब जनरेट हो रहे हैं। हाई डोपिंग का मतलब क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम में तुमने जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की है, पर यूनिट वॉल्यूम में जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की है वो तुम्हारी हाई है, उसका कंसंट्रेशन हाई है, मीनिंग पर यूनिट वॉल्यूम पे नंबर ऑफ होल्स जो जनरेट होंगे ड्यू टू इम्प्योरिटी वो ज्यादा होंगे पर यूनिट वॉल्यूम में। और लो डोपिंग का मतलब क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम में जो तुमने इम्प्योरिटी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कराई उसकी वजह से जितने इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होने थे वो उनका जो कंसंट्रेशन है वो कम है, मीनिंग पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो जनरेट हो रहे हैं वो कम जनरेट हो रहे हैं। ठीक, अब हमें पता है कि पी साइड पे जो तुम्हारा नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है वो जनरेट होता है इस ये जो होल्स जनरेट हुए, ये जो मेजॉरिटी कैरियर होल्स जनरेट हुए, इन्हीं होल्स का जब डिफ्यूजन होता है, ये होल्स जब डिफ्यूज करते हैं पी टू एन साइड में तो अपने पीछे नेगेटिव चार्ज छोड़ के जाते हैं। तो ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ जनरेट हुआ डिस्चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन भी उसी कंसंट्रेशन के बराबर होगा जो डोपिंग हमने कराई। मीनिंग अगर हम इस नेगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन देखेंगे तो यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम पे हमें 1000 नेगेटिव चार्ज मिलेगा, पर यूनिट वॉल्यूम में हमें 1000 पर यूनिट वॉल्यूम में हमें 1000 नेगेटिव चार्ज मिलेंगे। जो प्लस एनडी है एनए माइनस जो है नेगेटिव चार्ज जो है वो हमें पर यूनिट वॉल्यूम में कितने मिलेंगे, 1000 मिलेंगे। और जब हम एन साइड पे आएंगे, एन साइड में भी क्या हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन के डिफ्यूजन की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है। अब जब इस पॉजिटिव चार्ज का के कंसंट्रेशन की बात करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज के कंसंट्रेशन की अगर बात करेंगे तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि 10 पॉजिटिव चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम मिलेंगे हमें, पर यूनिट वॉल्यूम में हमें 10 पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे। मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज अगर हम देखें तो वो कितने होंगे, 10 होंगे, मीनिंग यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो क्या होगा, 10 क्यू के बराबर होगा। और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम जो जनरेट होगा वो किसके बराबर होगा, 1000 क्यू के बराबर होगा, ये माइनस 1000 क्यू के बराबर होगा। राइट, अब हमें पता है कि बोथ साइड पे जो टोटल नंबर ऑफ चार्ज होना चाहिए। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज को बहुत अच्छे से क्लियर करना, चार्ज कंसंट्रेशन और टोटल नंबर ऑफ चार्ज दोनों अलग अलग चीजें हैं। चार्ज कंसंट्रेशन का मतलब है कि हम पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज जनरेट हो रहा है, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज जनरेट हो रहा है वो हो गया तुम्हारा चार्ज कंसंट्रेशन। एंड जब अगर हम टोटल चार्ज की बात कर रहे हैं तो मीनिंग टोटल वॉल्यूम में, चाहे वो पी साइड में हो चाहे या फिर वो एन साइड में हो, टोटल वॉल्यूम में कितना चार्ज है, और उसके लिए हम क्या करते हैं, चार्ज कंसंट्रेशन को, टोटल चार्ज फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, चार्ज कंसंट्रेशन को वॉल्यूम से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, चार्ज कंसंट्रेशन को हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हमने कहा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया ए है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो और इधर साइड पे ये एक्स पी है माइनस, और इधर साइड पे ये एक्स एन है, इधर साइड पे ये एक्स पी है और इधर साइड पे ये एक्स एन है। ठीक, तो अभी हमने एक फिनोमिना पढ़ा कि जो पॉजिटिव चार्ज है, टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज जो होगा वो आपस में इक्वल होने चाहिए, वो हमेशा आपस में इक्वल रहेंगे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों ही आपस में इक्वल रहेंगे। तो अगर हम ये इक्वलिटी यहाँ पे लगाने की कोशिश करते हैं, मीनिंग प्लस क्यू एन डी प्लस एक्स एन इंटू ए इज इक्वल टू होगा माइनस क्यू एन ए माइनस xp to a। ठीक, अब जो जो वैल्यू हमने यहाँ पे अज्यूम की है ये केवल ये वैल्यूज केवल समझने के लिए है
इनका कोई मतलब सच रिलेवेंसी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 1000 नेगेटिव चार्जेस जनरेट होंगे, ये केवल और केवल समझने के लिए वैल्यूज हमने दी है, ठीक। तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, माइनस, सॉरी, ये हो जाएगा पार्ट 10Q इंटू XN इंटू एरिया, यानी 10 इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, माइनस 1000Q इंटू XP इंटू 10। दिस क्यू इज कैंसिल, 10 एंड 10 कैंसिल। तो हमें यहां से क्या दिख रहा है, 10XN इज इक्वल टू 1000XP। हम कुछ देर के लिए नेगेटिव चार्ज को हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। उस जो ये जो नेगेटिव साइन है इसको हम छोड़ रहे हैं, ये नेगेटिव साइन सिंपली यही तो दिखा रहा है ना कि ये नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से नेगेटिव साइन आया, नेगेटिव चार्ज की वजह से। अगर हम ये कहें कि हम दोनों के मैग्नीट्यूड की बात करें, बोथ साइड के मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, तो ये नेगेटिव साइन को लेना या ना लेना कोई मतलब नहीं रखता, ठीक है। तो अभी के लिए हम नेगेटिव चार्ज को, नेगेटिव साइन को थोड़ी देर के लिए छोड़ रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, एक्सएन जो है, एक्सएन की जो वैल्यू है वो 100XP है। यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, जो एक्सएन की वैल्यू है वो 100XP है, मीनिंग XP की वैल्यू का 100 टाइम्स है XN का वैल्यू, XP की वैल्यू का 100 टाइम है XN की वैल्यू। ये बात समझना, देखो यहाँ पे आया क्यों, देखो जब तुमने डोपिंग ली थी, जब तुमने डोपिंग ली थी, डोपिंग अभी देखो चेंज क्या लिया था, दोनों साइड की डोपिंग में N साइड की जो डोपिंग थी वो P साइड की डोपिंग से 1000 टाइम्स लेसर थी, जो N साइड की डोपिंग से 1000 टाइम डोपिंग लेसर थी, सॉरी P साइड की जो डोपिंग थी वो 1000 टाइम हायर थी N साइड की डोपिंग से। P साइड की जो डोपिंग थी 1000, N साइड की जो डोपिंग थी वो 10, P साइड की डोपिंग 1000 टाइम हायर थी N साइड की डोपिंग से। दैट इज व्हाई इसका देखो रेसिप्रोकल आया है, जो यहाँ पे रिलेशन था डोपिंग के बीच में, उसका जस्ट रेसिप्रोकल रिलेशन आया है तुम्हारा XN और XP की लेंथ में, मीनिंग वो विड्थ जो XN, ये वाली विड्थ है, मीनिंग डिप्लीशन विड्थ जो N साइड पे लाई कर रही है, और XP क्या है, डिप्लीशन विड्थ जो P साइड पे लाई कर रही है, ठीक। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि अगर आपने डोपिंग, मतलब जैसे डोपिंग ऑफ, इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, जो डोपिंग ऑफ एन साइड है वो तुम्हारी क्या है, 100 मल्टीप्लाई बाई डोपिंग ऑफ पी साइड, जो हमने अपना कुछ डेटा लिया हुआ है अपने एग्जांपल के तौर पे चीजों को समझने के लिए, उसके हिसाब से हमें ये मिल रहा है कि एन साइड की जो डोपिंग है वो पी साइड की डोपिंग का 1000 टाइम है, सॉरी P साइड की जो डोपिंग है वो N साइड की डोपिंग का 1000 टाइम है ना। तभी तो हमने यहाँ पे P साइड में, यहाँ पे हमने 1000 होल जनरेट हुए थे और यहाँ पे डोपिंग से 10 इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए थे। तो डोपिंग के बीच में कुछ इस तरह का रिलेशन है, मीनिंग P साइड की डोपिंग जो है ग्रेटर देन है N साइड की डोपिंग से, P साइड की डोपिंग जो है वो N साइड की डोपिंग से हाइयर है। और हमें जो डिप्लीशन विड्थ है उसमें क्या रिलेशन मिला, N साइड का जो डिप्लीशन विड्थ है वो 100 टाइम्स है P टाइप के डिप्लीशन विड्थ, N साइड का जो डिप्लीशन विड्थ है वो 100 टाइम है P साइड के डिप्लीशन विड्थ के, मीनिंग XN जो है वो ग्रेटर देन आया है XP, जो XN है वो ग्रेटर देन आ रहा है XP। अब इस रिलेशन और इस इन दोनों रिलेशन को, ये दोनों रिलेशन को अगर हम इंटर रिलेट करें तो हमें क्या मिल रहा है कि जिस साइड पे, पी साइड या एन साइड में, जिस साइड पे भी आप हाई डोपिंग रखोगे, जहां पे डोपिंग हाई होगी वहां पे जो डिप्लीशन विड्थ होगी वो कम होगी, मीनिंग डोपिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विड्थ। जिस साइड पे आपने डोपिंग हाई की है उस साइड पे डिप्लीशन विड्थ कम होगी, और जिस साइड पे आपने डोपिंग कम की है उस साइड पे डिप्लीशन विड्थ ज्यादा होगी।
ठीक है, डिप्लीशन रेट और डोपिंग आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जहाँ हाई डोपिंग की वहां पे लो डिप्लीशन रेट मिली, जहाँ पे लो डिप्लीशन रेट थी वहां पे हाई डोपिंग मिल रही है। इस पॉइंट पे किसी को कोई डाउट? ये जो डोपिंग और डिप्लीशन रेट में हमारा रिलेशन है कि जहां पे आप डोपिंग हाई रखोगे वहां डिप्लीशन रेट कम मिलेगी, और जिस साइड पे लो डोपिंग रखोगे उस साइड पे हाई डिप्लीशन रेट मिलेगी या लार्ज डिप्लीशन रेट मिलेगी। तभी देखो पी साइड पे डोपिंग हमने लार्ज रखी है, एन साइड पे हमने डोपिंग लो रखी है। इस वजह से हमारी पी साइड की जो डिप्लीशन रेट होगी, जहां पे नेगेटिव चार्ज लाई कर रहे हैं, वो तुम्हारे कम होगी, स्मॉल होगी, और एन साइड पे जो डिप्लीशन रेट होगी वो लार्ज होगी। ठीक है, अगर इसको हम कई जगह पे पिक्टोरियली इसको इस तरह से हम दिखा सकते हैं, ये हमारा P है, ये हमारा N है। P प्लस जब हम हाई डोपिंग करते हैं तो यहाँ पे एक प्लस साइन शो करते हैं। ठीक है, जब हम हाई डोपिंग करते हैं तो यहाँ पे हम एक प्लस साइन शो करते हैं। अभी जब इसको फोर्थ ईयर में रिवर्स ब्रेकडाउन पे पहुंचेंगे तब इस कॉन्सेप्ट को कि ये प्लस और माइनस लगाने का क्या कॉन्सेप्ट है इसको बाद में देखेंगे। अभी के लिए हम ये बस पी प्लस इतना जान लो कि पी प्लस का मतलब है कि यहाँ पे हमने हाई डोपिंग की है। ठीक, तो जब इधर साइड पे पी प्लस साइड पे पी साइड पे तुमने हाई डोपिंग की है तो डिप्लीशन रेट जो होगी वो यहाँ पे कम होगी, और एन साइड पे क्योंकि पी के कंपैरिजन में एन साइड की डोपिंग लोअर है तो यहाँ पे डिप्लीशन रेट ज्यादा होगी। मीनिंग जो डब्ल्यू का डिस्ट्रीब्यूशन है वो तुम्हारा, वो W का डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारा डोपिंग डिपेंडेंट है। W का जो डिप्लीशन रेट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तुम्हारा डोपिंग पे डिपेंडेंट है। जिधर ज्यादा डोपिंग है उधर W की डिप्लीशन रेट की वैल्यू कम आई है। मीनिंग ये जो ये एरिया है ये तुम्हारा क्या है, XP है, और ये क्या है, XM है। ओके, इसमें किसी को कोई दिक्कत? ये पॉइंट क्लियर कर लो क्योंकि ये भी आगे जाके बीजेटी में भी तुम्हें नजर आएगा, क्योंकि बीजेटी में जब डिफरेंट टाइप की डोपिंग करा रहे होगे डिफरेंट डिफरेंट जंक्शंस पे तो वहां पे डिप्लीशन रेट उसी हिसाब से कम या ज्यादा हो रही होगी। तब हमें समझना होगा कि क्यों हम जो वहां पे हम एक बेस टर्मिनल जब ले रहे होंगे तो क्यों हमने उसमें डोपिंग हाई रखी। अगर ये कॉन्सेप्ट तुम नहीं समझ पा रहे हो कि हाई डोपिंग का मतलब स्मॉल डिप्लीशन रेट, हाई डोपिंग मतलब स्मॉल डिप्लीशन रेट, तो आगे जाके फिर प्रॉब्लम होगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं, राइट? ओके, नाउ आफ्टर दैट हमने सिंपल पॉइजन इक्वेशन ली थी, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू होता है q अपॉन एप्सिलॉन इनटू टोटल चार्ज, टोटल चार्ज जो इस डिप्लीशन रेट में लाई कर रहा हूं। देन हमने अज्यूम किया था कि हमारा जो डिप्लीशन रीजन है, डिप्लीशन रीजन में हमने अज्यूम किया कोई भी इमोबाइल चार्ज, सॉरी कोई भी मोबाइल चार्ज नहीं है। हमने ये assumption लिया था, उसी के हिसाब से हमने P माइनस N को इग्नोर कर दिया था इन जनरल। ठीक है, हमने क्या किया था, ये assumption लिया था कि ये जो depletion region है, ये जो मेरा depletion region है, इस depletion region में यहाँ पे कोई भी मोबाइल चार्ज नहीं है, मतलब कोई भी मूविंग चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पे केवल इमोबाइल चार्ज, नेगेटिव इमोबाइल चार्ज और पॉजिटिव इमोबाइल चार्ज ही एग्जिस्ट करते हैं, और इसके लिए हमने इस P माइनस N को हमने इग्नोर कर दिया था। और तब हमारी पॉइजन इक्वेशन क्या आई थी, dE by dx is equal to q upon epsilon nd plus minus na minus। After that, इसी इक्वेशन को हमने बाइफरकेट किया था दो पार्ट में। पहला जीरो से, जब x की वैल्यू जीरो से x तक मिलाई करे, मीनिंग इस पार्ट के लिए जीरो से
ये x सेंटर, ये तुम्हारा सेंटर है x इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो से xn के बीच में, मीनिंग जब n साइड पे इस इक्वेशन को देखोगे, जब डिप्लीशन विथ की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इक्वेशन को, पॉइजन इक्वेशन को n साइड पे देखोगे, अगर ये मेरी डिप्लीशन विड्थ होती तो ये पॉइंट माइनस xp पे होता, ये पॉइंट xp पे होता, और ये क्या होता, x इज इक्वल टू जीरो। तो अगर हम अपनी इस जो हमने पॉइजन इक्वेशन लिखी है इसको केवल जीरो से x, सॉरी दिस इज xn, अगर हम जीरो से xn के बीच में देखते हैं, जब हम इस इक्वेशन को जीरो से xn के बीच में देख रहे थे तो ये इक्वेशन हमें क्या मिल रही थी, dE by dx इज इक्वल टू q upon epsilon nd plus, similarly अगर हम इसी इक्वेशन को माइनस xp और जीरो के बीच में देखें, इसी इक्वेशन को जो हमने पॉइजन इक्वेशन यहाँ पे ये लिखी है, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर वन, तो इक्वेशन नंबर वन को अगर हमने जीरो से xp के बीच में देखा था तो हमें इक्वेशन क्या मिल रही थी, dE by dx is equal to minus q upon epsilon माइनस, राइट। देन हमने इक्वेशन नंबर टू है, ये इक्वेशन नंबर थ्री है, इन दोनों इक्वेशंस को, जो दोनों इक्वेशन इक्वेशन टू और थ्री आई थी, इन दोनों इक्वेशन को इंटीग्रेट किया था, इन दोनों इक्वेशन को इंटीग्रेट किया था, और जब आप इंटीग्रेट कर रहे थे तो आपने अप्रोप्रिएट लिमिट ली थी, ठीक। उसके लिए आपने कैसे लिमिट कैसे डिसाइड की थी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस इक्वेशन नंबर टू को देखा, इक्वेशन नंबर टू क्या कर रही है, दिखा रही है E वर्सेस x ग्राफ, अगर आप ड्रॉ करोगे इक्वेशन टू आपको जो शो कर रही है कि E वर्सेस x ग्राफ अगर आप शो करोगे तो वहां पे एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, और उस स्ट्रेट लाइन ग्राफ का जो स्लोप है, उस स्ट्रेट लाइन ग्राफ का जो स्लोप है वो किसके बराबर है, q अपॉन एप्साइलन इन डी प्लस, q अपॉन एप्साइलन इन टू इन डी प्लस। सिमिलरली अगर आप माइनस xp से जीरो के लिए, माइनस xp से जीरो के बीच में अगर आप एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड E और x के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड E और डिस्टेंस x के बीच में अगर आप ग्राफ ड्रा करोगे तो वो आपका क्या, वो भी एक लीनियर स्ट्रेट लाइन मिल रही है, और उस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है नेगेटिव स्लोप है, q अपॉन एप्सिलॉन इनटू na माइनस, ठीक। इसी के अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x ग्राफ ड्रॉ किया था, E वर्सेस x ग्राफ ड्रॉ किया था, और वो कुछ इस तरह से बन रहा था, हमें कुछ इस तरह का ग्राफ मिला था, जिसमें अगर हम इधर देखें जीरो से xn के लिए, जब जीरो से xn के लिए देखोगे तो इंक्रीजिंग ग्राफ मिल रहा है, q अपॉन एप्सिलॉन nd प्लस, ये ग्राफ मिल रहा है स्ट्रेट लाइन विद अ स्लोप ऑफ q अपॉन एप्सिलॉन nd प्लस। एंड जब p साइड पे हम देख रहे हैं माइनस xp, p साइड पे हम जब देख रहे हैं जीरो से xp के बीच में, तो ग्राफ क्या है, डिक्रीजिंग है, माइनस q upon epsilon na minus, और एक x is equal to zero पे at the metallurgical junction यहाँ पे तुम्हें maximum electric field मिल रही है, maximum electric field मिल रही है, और इसी maximum electric field को हम critical electric field भी बोलते हैं, इसी electric field को हम
क्रिटिकल इलेक्ट्रिकल फील्ड भी बोलते हैं, ठीक है। इसी की हमने फर्दर आगे जब ईएक्स को सॉल्व किया था, इसी की इक्वेशंस फाइंड आउट की थी, इसी क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड या मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हमने आगे जाके फाइंड आउट की थी। सिंपली हमने इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को इंटीग्रेट किया था। इंटीग्रेट करने के लिए हमने लिमिट्स ली थी, और लिमिट्स कैसे ली थी, देखो एक्स तो सिंपल, एक्स की लिमिट जो होगी वो 0 से xn हो जाएगी। एक्स की लिमिट जो होगी इक्वेशन 2 को इंटीग्रेट करने के लिए वो 0 से xn हो जाएगी। लेकिन जब तुम EX की लिमिट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की लिमिट्स अगर देखना चाहोगे, जो तुम्हारा DE इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन NB प्लस इनटू DX, अगर आप इसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हो, ठीक है। ये मैंने इक्वेशन 2 लिया है जिसका DE बाय DX का DX जो था वो इधर भेज दिया है, और बोथ साइड हमने इंटीग्रेशन किया है, ठीक। अब जब इस इंटीग्रेशन की अगर हम लिमिट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो x की लिमिट तो सिंपली हो गई 0 से xn, 0 से स्टार्ट हो रहा है x और xn तक जा रहा है। एट 0 जब x इज इक्वल टू 0 था, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर थी। तब इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर थी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर, यानी ये कितना हो जाएगा E नॉट। एट 0 इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, E नॉट। एट x इज इक्वल टू xn, एट x इज इक्वल टू xn तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, 0। इसे हमने जब सॉल्व किया तो हमें E नॉट इज इक्वल टू क्या मिला था, माइनस Q अपॉन एप्सिलॉन इनटू ND प्लस। फर्स्ट इक्वेशन हमें ये मिली थी क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। इसी तरीके से जब हमने इक्वेशन नंबर 3 को, जब हमने इक्वेशन नंबर 3 मतलब DE बाय DX इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन NA माइनस को, माइनस यहां लगा, इसको इंटीग्रेट किया था, इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट किया था, ठीक। तब यहां देखो, अब यहां की लिमिट्स को डिसाइड करने के लिए हमने क्या किया, तुम्हारी जो x की वैल्यू है वो माइनस xp से 0 जा रही है, x की वैल्यू माइनस xp से 0 जा रही है, माइनस xp टू 0। एट माइनस xp पॉइंट पे, माइनस xp पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी थी, 0। और x इज इक्वल टू 0 पे अगर देखो तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी थी, E नॉट। फर्दर जब इस इंटीग्रेशन को हमने सॉल्व किया था, तो हमने E नॉट इज इक्वल टू क्या मिला था, माइनस q अपॉन एप्सिलॉन NA। तो यहाँ इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की थी। इलेक्ट्रिक फील्ड की इनमें किसी को कहीं कोई दिक्कत, कहीं पे बीच में कॉन्सेप्ट में या कहीं पे प्रूविंग में कुछ भी, सभी लोग एक बार क्लास को रीज्वाइन कर लेंगे।